चलिए देखिए, मैं महेंद्र तिवारी, MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो है आप सभी बच्चों को ये जो 9th क्लास का सेकंड लेसन यानी काबली वाला है, इसमें जहाँ तक आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हम जो है आज उसी के आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था काबली वाला मिनी के शादी के दिन ही मिनी के घर पर आता है और मिनी के पिताजी से कहता है कि क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ, परंतु जो है मिनी के पिताजी ऐसा करने से मना कर देते, कहते हैं तुम जाओ किसी दूसरे दिन आना। फिर से जो है काबली वाला उठकर जाता है, दरवाजे तक पहुंचता है, फिर रुकता है, फिर लौट कर आता है, फिर वही प्रश्न दोहराता है, फिर भी वो मना कर देते हैं। दोबारा मना करने के बाद काबली वाले की क्या सिचुएशन होती है, ध्यान दीजिएगा, काबली वाले की क्या सिचुएशन होती है, द मैन्स फेस फेल, उस आदमी का जो चेहरा होता है वो उतर जाता है, ठीक है, किसका, काबली वाले का। ही लुक्ड विजिटफुली एट मी, उसने मेरी तरफ बहुत ही आशा की नजरों से देखा, फॉर ए मोमेंट, एक समय के लिए, एंड सेड, और उसने कहा, ठीक है, गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, यानी जाते समय उसने गुड मॉर्निंग किया, एंड वेंट आउट, और वह जो है बाहर निकल गया। इसके बाद लेखक को कैसा महसूस होता है, लेखक को लगता है आई फेल्ट ए लिटिल सॉरी, लेखक कह रहा है मुझे थोड़ा सा दुख महसूस हुआ, एंड वुड हैव कॉल्ड हिम, ठीक है, और मैंने जो है बैक, और मैंने उसे कॉल्ड हिम बैक, उसे दोबारा वापस बुलाया, बट लेकिन आई फाउंड ही वाज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन एकॉर्ड, वो अपने पुराने तरीके से ही वापस आया, यानी कि वो जो है फिर से वापस आया, पुराने व्यवहार यानी नम्र व्यवहार में वापस आया, कि उसको बुरा नहीं लगा, ठीक है, उसको बुरा तो लगा था लेकिन उसने उसको जाहिर है गुस्सा उसको नहीं लगी। ही क्लोज अप टू मी, वो मेरे पास आया, होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग, उसने अपने हाथों को फैलाए, ऑफरिंग एंड सेड, उसने मुझे जो है कुछ चीजें दी, ठीक है, देने वाले देने के लिए उसने हाथ फैलाए और कहा, मुझसे क्या कहा, आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स का मतलब कुछ चीजें, मैं कुछ चीजों को लेकर आया हूं सर, श्रीमान जी, फॉर द लिटिल वन, उस छोटी सी लड़की के लिए, विल यू गिव देम टू हर, क्या आप इन सब इन छोटी चीजों का जो मैं लेकर आया हूं, क्या आप इसको उस बच्ची को दे देंगे, ठीक है। देखिए काबली वाला क्या लेकर आया था और लेखक कैसा महसूस होता है, आई टूक देम, मैंने उन सब चीजों को ले लिया, एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, और मैं जो है उसे पे करने जा रहा था, पैसे देने जा रहा था, और वो क्या लाया था, किशमिश बादाम, यानी हमने पिछले वीडियो में बताया पेपर में लपेट कर लाया था। तो देखिए, बट ही काट माई हैंड, लेकिन उसने जो है काबली वाले मेरे हाथों को पकड़ लिया, एंड सेड, और उसने कहा, काबली वाले ने कहा, सर श्रीमान जी, कीप मी इन यूर रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मतलब कीप मी इन यूर रिकलेक्शन का मतलब कि आप जो है इन चीजों को रख लीजिए और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, डू नॉट ऑफर मी मनी, इनके लिए आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या काबली वाला मेन पॉइंट कह रहा है, काबली वाला कहता है यू है, अब यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि वो जो है क्यों मिनी से बार बार मिलता था। काबली वाला कहता है यू हैव ए लिटिल चाइल्ड, लिटिल गर्ल, ठीक है, आपके एक छोटी सी, आपके घर पर एक छोटी सी, आपकी एक छोटी सी लड़की है, आई टू हैव वन लिटिल हर इन माई ओन होम, और मेरे भी घर पर, मेरे अपने भी घर पर आपकी लड़की के समान ही एक छोटी सी लड़की है, आई थिंक ऑफ हर, जब भी मैं उस बच्ची की याद मुझे आती थी अपने, मैं उस बच्ची के बारे में सोचता था तो मुझे आपकी बच्ची की याद आती थी और मैं आपकी बच्ची को अपनी बच्ची के समान मानता था, आई थिंक ऑफ हर, मैं उसको उसी के समान मानता था, एंड ब्रिंग फ्रूट्स ऑफ यूर चाइल्ड, और उसी बच्ची को अपनी बच्ची के समान इसको मानता था और इसीलिए आपकी लड़की के लिए फलों को लाता था, नॉट टू मेक ए प्रॉफिट माई सेल्फ, मैं किसी बिजनेस के लिए, अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए या पैसे कमाने के चक्कर में उस बच्ची को कोई चीज नहीं देता था, ठीक है। इस प्रकार से काबली वाला अपने मन के भावों को, अपने विचारों को उसको बताता है। पैसे उसको एक बार फिर से देख लीजिए, द मैन्स फेस फेल, उस आदमी का चेहरा गिर जाता है, लुक्ड विजिटफुली एट मी, वो मेरी तरफ आशा की नजरों से देखता है, फॉर ए मोमेंट एंड सेड, और कहता है, ठीक है, गुड मॉर्निंग श्रीमान जी, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, एंड वेंट आउट, और वो बाहर चला जाता है, आई फेल्ट ए लिटिल सॉरी, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई, एंड वुड हैव टू कॉल हिम बैक, मैं उसको जो है कॉल हिम बैक, उसको वापस बुलाता हूँ, बट आई फाउंड ही वाज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन एकॉर्ड, लेकिन मुझे लगता है, मुझे फिर लगा कि वो उसी नम्रता के साथ वापस आया जैसे वो पहले आता था, ठीक है। ही केम क्लोज अप टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग एंड सेड, ही केम क्लोज अप टू मी, वो मेरे पास जो है
मेरे करीब आया और उसने अपने हाथों से मुझे कुछ चीजें दी और कहा, आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, लिटिल वन छोटी लड़की के लिए मैं कुछ चीजों को लेकर आया हूं, विल यू गिव देम टू हर, क्या आप इसे उस बच्ची को दे सकते हैं, दे देंगे। इसके बाद लेखक क्या कहता है, आई टूक देम, मैंने उससे उन चीजों को लिया, एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, और मैं उसको पे हिम करने जा रहा था, उसको पैसे देने वाला था, बट ही काट माई हैंड, लेकिन उसने काट मतलब पकड़ लिया, माई हैंड मतलब मेरे हाथों को, एंड सेड, और उसने कहा, काबली वाले ने कहा, सर श्रीमान जी कीप मी इन यूर रिकलेक्शन, मुझे अपने संपर्क में रहने दीजिए और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, डो नॉट ऑफर मी मनी, आप मुझे पैसों को मत दीजिए, यू हैव ए लिटिल गर्ल, आपके एक छोटी सी लड़की है, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम, इन माई ओन होम मेरे भी घर में, आई हैव वन लाइक हर उसी के समान एक मेरी भी छोटी सी लड़की है, आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग, मैं अपनी बच्ची को उसी के उस आपकी लड़की को अपनी बच्ची के समान मानता हूं, और इसीलिए फ्रूट्स ऑफ यूर चाइल्ड आपके बच्चों की आपकी बच्ची के लिए फलों को लाता था, नॉट टू मेक ए प्रॉफिट माइसेल्फ, मैं धन कमाने के लिए पैसे कमाने के लिए किसी लालच से आपकी बच्ची के लिए ये सारी चीजें नहीं लाता था। इस प्रकार काबली वाला जो है अपने बातों को लेखक से बताता है। आगे जो है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब जो है लेखक सच्चाई को जानता है कि काबली वाला हमारे मेरी बच्ची से इतना लगाव क्यों रखता था, तो इसके बाद लेखक क्या करता है, ठीक है, और वो प्रश्न अभी भी बना है कि क्या लेखक काबली वाले से मिनी को मिलाता है कि नहीं, मिनी शादी के दिन क्या काबली वाले से मिल पाता है कि नहीं, और क्या जो है दोनों में इसके आगे बातचीत होती है, हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो है आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखकर इसको मैच करके पढ़ लेंगे। मिलते हैं आप सभी बच्चों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।